नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज आदर्श सिंधु होटल का 18वां भाग है, तो चलिए शुरू करते हैं आदर्श हिंदू होटल। घर लौटकर हजारी ने एक दृश्य देखा जिससे उसे एक अजीब तरह के आनंद और तृप्ति का अनुभव हुआ। बाहर की ओर छोटे कमरे से टैंपी की आवाज़ सुन पड़ी। वह कह रही है, नरिंदा चाय पिए बिना आप नहीं जा सकते, बैठिए ना। नरेन कह रहा है, नहीं एक बार तो होटल में जाना होगा। तुम समझती नहीं हो आशा, स्टेशन का होटल तो इस समय बंद है, लेकिन मामा जी के आने से पहले मुझे इस होटल की देखभाल करनी है। हजारी खुद भी यह बात बोल चुका था कि टैंपी का भला नाम आशा लता है। इसी बीच नरेन ने कहा, से उसका पता लगा लिया? टैंपी जिद करती हुई फिर बोली, नहीं नहीं वह सब काम रहधाम रहने दीजिए। आपने कहा था आप मुझे और माँ को टॉकी दिखाने ले जाएंगे, आज तो आपको ले जाना ही होगा। आज क्या है? ले जाऊं? उस कमरे से टॉकी का एक कागज ढोल बजाकर उस शाम कागज बांटता जा रहा था। खोका एक कागज ले आया है, जाओ ले आओ तो झटपट। हजारी नहीं चाहता था कि वह उन लोगों की बातचीत में बाधा डाले। यहाँ तक कि वह दबे पांव चबूतरा पार करके ज्यों ही उत्तर वाले कमरे में घुसा, त्यों ही टॉकी के कागज की तलाश में आई हुई टैंपी बाबा के सामने पड़ गई। टैंपी को कहीं बाद में किसी तरह की लज्जा ना हो, इसलिए हजारी ने दूसरी ओर देखकर कहा, अरे टैंपी तेरी माँ कहाँ है? टैंपी अचानक थोड़ी संकुचित हो गई, बोली, कौन बाबा, कब आए, तुम्हारे आने का पता ही नहीं चला। हजारी को लगा जैसे टैंपी उन्हें देखकर खुश नहीं हुई है, जैसे वह सोच रही है कि बाबा जरा देर से आते तो क्या नुकसान हो जाता। हजारी के दिल के दर्द अंदर कहीं एक दर्द सा उठा, आह बेचारी बेटी, सारी बातें क्या सहज कर सकती है। हजारी ने कहा, मैं तुरंत होटल जा रहा हूँ, टैंपी 5 बज गए हैं, अब रुकने से काम नहीं चलेगा, बस एक गिलास पानी पिला दो। दूसरे कमरे से नरेन ने पुकार कर कहा, मामा जी कब आए? हजारी जैसे पहले से नरेन की बातें नहीं सुन रहा था, उसने अनजान बनते हुए बोला, कौन नरेन, कब आए बेटा? मैं बहुत देर से आया हूँ मामा जी, चलिए मैं भी होटल चलता हूँ। हजारी ने कहा, कुछ नाश्ता वाश्ता कर लो ना, इस वक्त होटल के धुएं में जाकर क्या करोगे, बैठो जरा देर। टैंपी अपने नरेन दा के लिए जरा चाय ले आई। नहीं नहीं रहने दीजिए मामा जी, होटल में तो अब चाय बनेगी, बनने दो ना, लेकिन जब घर पर आ गए हो तो यहीं चाय पीते जाओ, कहकर हजारी घर के बीच वाले कमरे की ओर सरक गया। हजारी ने देखा टैंपी की माँ उस समय भी रसोई घर के चबूतरे पर एक चटाई बिछाकर गहरी नींद में सोई हुई थी। बेचारी हंडोशाला में तो हमेशा काम करते करते ही मरती रही, अब जब नौकर लगभग सारा काम कर देता है तो जीवन का थोड़ा उपभोग वो भी कर ले। हजारी ने स्त्री को भी नहीं जगाया, सबने मिलकर हमेशा बहुत तकलीफें सही हैं, सब जब सुख का मुख देखने को मिला है तो उसमें विघ्न ना डालना चाहिए, उसे सोने दी। हजारी घर से निकलने जा रहा था कि नरेन ने जरा शर्माते हुए माथा खुजलाते हुए कहा, मामा जी आशा कह रही है कि मामी जी और उसको एक बार टॉकी दिखा लो, आप क्या कहते हैं? हजारी को इस बारे में कोई संदेह ना रहा कि यह बात कहने के लिए टैंपी ने ही नरेन को कहा है। उसके मन में कौतुक और आनंद दोनों ही दिख रहे हैं, बच्चे हैं सब, क्या करते क्या नहीं करते, बड़े लोग सब जानते हैं, बेचारे समझते हैं कि कोई उनकी मन की बात खबर नहीं लेता। उसने घबरा कर कहा, जाओगे तो जाओ, आज ही जाओगे, पैसे रुपए सब तुम्हारी मामी के पास है, मांग लेना। कब लौटोगे? रात के 8 बज जाएंगे मामा जी, अगर आप खुद ही स्टेशन पर कुछ देर जाकर बैठे। अच्छा मैं स्टेशन पर चला जाऊंगा, तुम उसकी फिक्र ना करो, तुम इन लोगों को ले जाओ। अरे टैंपी अपनी माँ को बुला दे तो, अगर तुम लोगों को जाना है तो तैयार हो जाओ। हजारी ने और देर नहीं की, घर से बाहर निकल आया, बच्चों की हंसी खुशी में विघ्न नहीं डालना चाहता था। पहले बाजार वाले होटल में आकर यहाँ का सारा इंतजाम कर देने के बाद वह स्टेशन के प्लेटफॉर्म वाले होटल में गया। यहाँ वह ज्यादा नहीं बैठा करता था, नरेन ही यहाँ का मैनेजर था, साहबी ढंग का सारा इंतजाम ना जाने उसे कैसा लगता था। शाम के 7:30 बजे चटगांव मेल आने में ज्यादा देर नहीं है, बनगांव की गाड़ी भी नहीं छूटी। इसी समय से लेकर रात 11:30 बजे तक सिराजगंज ढाका मेल नॉर्थ बंगाल एक्सप्रेस वगैरह दूर दूर की गाड़ियों की भीड़ रहती है, बहुत से यात्री आते जाते हैं और बतरे खाते भी हैं। हजारी की उम्मीद से बहुत ज्यादा लोग यहाँ खाने आते हैं। हजारी को देखकर रसोइये और नौकर चाकर थोड़ा घबरा गए, सभी जानते हैं कि असली मालिक वही है, नरेन तो सिर्फ मैनेजर है। उन्होंने यह भी अच्छी तरह समझ लिया है कि अभी 10 बरस में वे लोग हजारी के पैरों तले बैठकर खाना पकाने का काम सीख सकते हैं, इसलिए हजारी को सिर्फ अपना मालिक समझकर नहीं बल्कि उसके प्रति सम्मान दिखलाते हैं। ऐसी बात नहीं है, वे लोग उस्ताद कारीगर जानकर उस पर श्रद्धा भी रखते हैं। एक रसोइया का नाम है सतीश दिगुड़ी, हुगली जिले के किसी गाँव का रहने वाला है।
ब्राह्मण है, रसोई का काम बहुत बढ़िया जानता है। पहले बड़े बड़े होटलों में ऊंची तनख्वाह पर काम कर चुका है। यहाँ तक कि एक बार जहाज से सिंगापुर तक गया था, वहाँ कुछ दिनों तक एक सिख होटल में काम भी किया। सतीश खुद अच्छा रसोईया है, इसलिए हजारी का महत्व अच्छी तरह समझता है और उसका काफी सम्मान करता है। हजारी ने उससे पूछा, क्यों दी गुड़ी, खाना सब कुछ तैयार हो गया? सतीश ने विनयपूर्वक कहा, जरा आइए ना मालिक, मांस को एक बार देख लीजिए। अरे मैं क्या देखूंगा, जहाँ आप हैं। ऐसी बात मत कहे मालिक, और कोई आपको समझे ना समझे, मैं तो आपको जानता हूँ, आप आकर एक बार देख लीजिए। हजारी ने रसोई घर में जाकर कड़ाह में मांस का रंग देखकर कहा, मांस का रंग ऐसा क्यों है दिगुड़ी? सतीश ने खुश होकर रसोईये से कहा, देखा मैंने कहा था ना, मालिक आंखों से देखकर ही दोष जान लेते हैं, शायद कहीं टेढ़ापन रहता है, अगर कुछ ख्याल ना करे तो। आप बताइए मालिक क्या गलती हुई? हजारी ने हंसकर कहा, क्या इस उम्र में मेरा इम्तिहान लोगे दिगुड़ी? मिर्ची ठीक से नहीं पिसी है, मिर्चा पुराना है, इसी से रंग ठीक नहीं हुआ, रंग आता है सिर्फ मिर्च से। मालिक क्या यूं ही आपकी पैरों की धूल सिर रखने का जी होता है? लेकिन और एक गलती हुई है, वह भी बताइए। तीखी नज़र से थोड़ी देर तक मांस के कढ़ा की ओर देखने के बाद हजारी ने कहा, हल्की आंच में भुने बांस में जो पानी डाला गया था वह अच्छी तरह से खौला नहीं था, उसी से झाग उठ रहा है, इससे मांस खराब हो जाएगा। सतीश ने दूसरे रसोइये की ओर देखकर कहा, सुना कार्तिक, पानी डालने के वक्त ही मैंने तुमसे कहा था कि इतना झाग उठ रहा है, अब मांस नरम नहीं होगा, और देखो मालिक ने कैसे बिना देखे समझ लिया, आप ठीक उस्ताद हैं मालिक। हजारी हंसकर कुछ कहने ही जा रहा था, इतने ही चट गांव में हड़बड़वाती हुई प्लेटफार्म पर आ पहुंची और बातों का तार टूट गया। होटल के आदमी दूसरे दूसरे कामों में लग गए। खासा अच्छा मकान है, बिजली की रोशनी हो रही है, कुर्सियों पर बैठे बाबू लोग मार्बल पत्थर के टेबल पर बैठे खाना खा रहे हैं। ग्राहकों की इस समय बेहद भीड़ है, उधर बनगांव लाइन की गाड़ी भी आकर खड़ी हो गई। शोरगुल हल्ला व्यस्तता, पैसे गिनने का और छोर नहीं मिलता, यही तो जीवन है। बेचू चक्रवर्ती के होटल में रसोई घर में बैठकर सरसी करछुल घुमाते फिराते उसने इसी तरह के होटल की कल्पना की थी, लेकिन कभी उसे भरोसा नहीं था कि भाग्य में इतना भी सुख हो सकता है। इस अनसोचे क्रम व्यस्त होटल जीवन के बीच पद्महरी के जाने कितने अपमान आज सार्थक हो गए। आज किसी के लिए उसके मन में कोई विद्वेष नहीं। अचानक हजारी के मन में चागदा से पैदल गोपाल नगर जाते समय उस छोटे से गांव के ग्वाले के घर की बहू का ख्याल आ गया। हजारी ने उसे जबान दी थी वह उसके रुपए रोजगार में लगा देगा, कल वह जाएगा, गरीब लड़की के रुपए लगाने की वह यही अच्छी जगह है। हजारी के बुरे वक्त में उसने विश्वास करके देना चाहा था, अच्छे वक्त में उसे उस भोली लड़की की ओर देखना होगा, नहीं तो धर्म नहीं है। दूसरे ही दिन हजारी नया पाड़ा के लिए रवाना हो गया। चाकदल स्टेशन तक बेशक रेल से आया, बाकी रास्ता पैदल ही चला। उसी तरह बड़े बड़े इमली के और दूसरे पेड़ों के जंगल रहते इस रास्ते से अंधेरा बना रहता है। हजारी को याद आया जब वह इस रास्ते से गुजरा था तब वह तुरंत ही इस रानाघाट होटल वाली नौकरी से छूटा था, पास में पैसे नहीं थे और पैदल चलकर वह काम ढूंढने आया था। और आज बहुत फर्क है, आज वह राना घाट बाजार के दो बड़े होटलों का मालिक है, उसके नीचे 10-12 आदमी काम करते हैं। जिस लड़की के चलते आज उसकी ऐसी उन्नति हुई, उसका एक बूंद बदला चुकाना भी संभव नहीं। 80 बेटी तो बड़े आदमी की बेटी है, इसके अलावा उसका ब्याह भी हो चुका है, हजारी उसको क्या दे सकता है? लेकिन उसके बदले जो दो भोली भाली और गरीब लड़कियां उसके संपर्क में आई, वह उनका भला तो कर सकता है। नया पाड़ा की ग्वाला बहू उन्हीं में से एक है। नया पाड़ा पहुंचते लगभग 9 बज गए। अचानक गांव के अंदर ना जाकर हजारी रास्ते के किनारे इमली के पेड़ के नीचे खड़े होकर गाड़ी पर जा बैठा। वहां पर एक आदमी खड़ा था, आदमी का नाम था कृष्णलाल, जाति का शंखारी, पूर्व बंगाल का रहने वाला। बातचीत में भी पूर्व बंगाल की बोली का खासा प्रभाव था। काम का आदमी ज्यादा देर बैठता नहीं है, एक बीड़ी सुलगाकर खत्म होने से पहले कृष्णलाल ने उठना चाहा, बातचीत में उलझाकर हजारी ने उसे बैठा रखा। जो आदमी बनगांव से 17 मील पैदल चलकर रोजगार की जांच के लिए बाहर निकला है, हजारी को उस पर असीम श्रद्धा हुई। रोजगार कैसे किया जाता है इसे यह आदमी जानता है। और बातों ही बातों में हजारी ने अपना भी परिचय दिया। कृष्णलाल खुश हुआ, वह ऐसे लोगों से मिलना पसंद नहीं करता। अपनी ही कोशिश से रानाघाट के बाजार में जो दो दो होटलों का मालिक है, उसके साथ तो गांजा भी पिया जा सकता है और बैठकर बातचीत भी की जा सकती है।
कृष्णलाल ने एक बार फिर उनके पांव की धूली ली और प्रणाम करके चला गया। गांव में जाकर हजारी ने श्रीचरण घोष का घर ढूंढ निकाला। श्रीचरण घोष घर पर ही थे। हजारी को देखकर तुरंत पहचान गए। इन सब जगहों में भूले भटके ही लोग आते हैं, इसी से लोगों को चेहरे बहुत दिनों तक याद रहते हैं। खबर पाकर बहू दौड़ी आई, गले में आंचल डालकर प्रणाम करके बोली, ताऊ जी आपने तो कहा था 2 महीने के अंदर आएंगे और 2-2.5 बरस हो रहे हैं, इतने दिनों बाद बेटी की याद आई। हाँ बेटी याद तो आई, आओ सावित्री समान हो, अच्छी तरह से तो हो बेटी? हाँ अब अच्छी तरह से हूँ। कुसुम दीदी से मुलाकात हुई, वह अच्छी तरह से? हाँ सब ठीक है। हजारी मुश्किल में पड़ गया। उस बार उसके यहाँ से जाने के बाद उसने बहुत दिनों तक गोपाल नगर में नौकरी की। उसके बाद कितने ही दिन बीतने पर रानाघाट जाकर कुसुम से मुलाकात हुई। इसकी बात तब क्या उसे याद थी? अरे ठीक याद नहीं, कहा तरह तरह के कामों पर फंसा रहता हूँ, हर वक्त याद नहीं रहता। बूढ़ा भी तो हो गया हूँ ना बेटी। अरे बूढ़े नहीं हो गए हैं, मेरे फूफा जी तो आपसे कितने छोटे हैं। इससे गंगाधर से? हाँ गंगाधर तो मुझसे कम से कम 16-17 साल बड़ा है। इसके बाद उनको बैठाकर वह उसके लिए पानी लेने चली गई। बहू ने उसको रोकना चाह, खाने के लिए रोकना चाह। हजारी यहाँ रिश्तेदारी का न्योता खाने तक आया नहीं था, तो वह शाम को ही यहाँ से रवाना हो गया। बड़े बड़े होटलों का काम है, अगर एक दिन भी रुकेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। भोजन बनाते समय बहू ने भी बात कही थी कि इस बार 2 दिन रुकना पड़ेगा, ऐसी हड़बड़ी क्या है? हजारी ने हंसकर कहा, बेटी अब 2 दिन नहीं रह सकता, बहुत नुकसान होगा। इस बार इच्छा हो जाने पर भी मैं तुम्हारे साथ नहीं रुक सकता। क्यों ताऊ जी आप क्यों नहीं रुक सकते? याद है ना मैंने उस बार कहा था कि मेरे पास नौकरी नहीं है, इस बार नौकरी मिल गई? मैं समझ गई, अच्छा तो है, भगवान ने अच्छा ही किया। कहाँ ताऊ जी? गोपाल नगर में। ओ तो इसलिए आप इस रास्ते से पैदल जा रहे हैं, ठीक समझा है बेटी, मेरी बेटी की तो बहुत अकल है। इस पर हजारी ने बात करते हुए उससे पूछा, बेटी तुम्हें उन रुपयों की बात याद है? हाँ ताऊ जी आपको रुपये की जरूरत है? कितना दे सकती हो? उस समय तो 80 रुपये थे, इन 2 वर्षों में 21 रुपये और हो गए हैं। कैसे हुए बेटी? बहू ने शर्माया हुआ चेहरा झुकाकर कहा, आपके दामाद बड़े अच्छे आदमी हैं, पिछले साल तंबाकू की खेती से 2 पैसों का मुनाफा कमाया था, उसमें से 20 रुपये मुझे दे दिए। ठीक है वे सारे रुपये मुझे दे दो, ले जाइए, मैंने तो उससे तभी कहा था। अच्छे मन से दे रही हो ना बेटी, ऐसी बात ना कहिए ताऊ जी, आप मेरे बाप की उम्र के ब्राह्मण हैं, देवता हैं। 2 कानी कौड़ियाँ आपके हाथ में देकर अविश्वास करूँ? ऐसी मति भगवान ने मुझे ना दी है। लड़की की सरल विश्वास में हजारी की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, ठीक है दे देना, सूद कितना लोगी? जो आप दे देंगे, हमारे गांव में तो रुपए पर 2 पैसे का रेट है, तो मैं ही वही या तुमको दूंगा। हजारी खाने बैठा तो सिर्फ यही सोचता रहा कि कुल 100 रुपये के मूलधन पर वह इस लड़की को मुनाफे का ज़्यादा तो नहीं दे सकेगा, वह उसे हिस्सेदार जरूर बना लेगा, लेकिन 100 रुपये पर साल के मुनाफे का कितना हिस्सा उसे मिलेगा? हजारी की इच्छा हुई कि वह उसे कुछ और ज़्यादा दे। रेलवे होटल के हिस्से में तो किसी का नाम देने का कोई उपाय नहीं, नहीं तो बाजार के होटल से वहाँ की आमदनी ज़्यादा होती है। खाने पीने के बाद थोड़ी देर आराम करके हजारी रवाना हो गया। जाने से पहले बहू ने हजारी को 100 रुपये दे दिए। रानाघाट से ही हजारी टिकट लगाकर एक हैंड नोट लेता आया था, उस पर रुपयों की तादाद लिखकर उसने दस्तखत कर दिए। हजारी को लड़की से बड़ी ममता हुई। जाने के समय उसने बार बार कहा, याद रखना बेटी इस बार जब मैं आऊँगा तो तुमको शहर घुमा लाऊँगा। गोपाल नगर? जहाँ तुम चाहो। अब कब आएंगे? देखूँ कब हो सकता है, अब ज़्यादा देर नहीं कर सकता। यह कहकर हजारी चल पड़ा।